पार्लियामेंट तो वास्तुशास्त्र के दोष से दूर हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। कि जहां इस संविधान पे चर्चा होनी चाहिए थी, कहां होनी चाहिए थी, संसद में, उस संसद में ही वास्तु दोष था। हां, उस संसद में ही वास्तु दोष था। उदाहरण के लिए, इस संविधान में एक शब्द आया 75 में, सेकुलर, उसको आपने खूब सुना होगा, सेकुलर सेकुलर खूब सुना है ना आपने। आपने कभी सोवरिन शब्द सुना क्या? संविधान के प्रियंबल का पहला शब्द है सोवरिन। कैसा भारत बनाएंगे? सोवरिन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी की शिक्षा होगी, न गुलामी की चिकित्सा होगी, न गुलामी की कर व्यवस्था होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्याय व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, सब कुछ भारत का होगा। इसको कहते हैं सोवरिन। उसमें चर्चा ही नहीं हुई। और कुछ वर्ष पहले मुझे एक बार संसद में जाने का अवसर मिला, टिकट लेके, एज ए सांसद नहीं, तो टिकट लेके मैं गया। एक घंटे मैंने वहां पे एज ए दर्शक दीर्घा में बैठ के देखा, तो मुझे लगा इस संसद में ये तो पूरा पूरा वास्तु दोष है। स्पीकर को बैठना चाहिए पूरब होकर के। हमारे घर में जो घर का मुखिया होता है ड्राइंग रूम में, उसका मुखिया किधर मुंह करके बैठता है? या तो पूरब या तो उत्तर, यही ना। ये बात कॉमन, ये कॉमन मैन जानता है, आम आदमी भी जानता है इसको। हमारे संसद में लोकसभा स्पीकर पश्चिम मुंह करके बैठते हैं, डूबते सूरज की तरफ। सवाल किसको पूछना है? विपक्ष को। उत्तर किसको देना है? सत्ता को। सत्ता पक्ष दक्षिण मुंह करके बैठता था, विपक्ष उत्तर मुंह करके बैठता था। इतना बड़ा वास्तु दोष, और ऊपर से गोल गोल, पूरी संसद गोल। इसका नतीजा रहा हम पिछले 75 साल गोल गोल घूमते रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जो नई संसद बनी है पूरी तरीके से वास्तु परफेक्ट बनी है। अब लोकसभा स्पीकर का मुंह पूरब की तरफ होगा, सत्ता पक्ष की जिसको उत्तर देना है उसका मुंह उत्तर रहेगा, विपक्ष जिसको सवाल पूछना है उसका मुंह दक्षिण रहेगा। एक वास्तु परफेक्ट संसद बनी है, और उसका नतीजा देखिए, संसद बनी हुई और एक कानून सबसे जबरदस्त पास हो गया, 33% महिलाओं को आरक्षण। रिजल्ट सामने है आपके, काम शुरू। नई संसद में नया कानून, और पहला कानून वो भी जबरदस्त कानून जो पिछले 20 साल से तूतू मैमे के चक्कर में अटका हुआ था, पास हो गया। अब हमें पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में संसद में संविधान के लक्ष्य पे भी चर्चा होगी। मैं पहले इंजीनियर था, वकील तो बाद में बना, और इंजीनियर था तो मैं मारुति में था जहां कार बनती है, वो पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी, तो जापान के लोग उसमें बहुत काम करते हैं। जापानियों से हमने ये सीखा, वो हर समस्या की रूट का एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया तो ऐसा नहीं तुरंत रिपेयर करके दूसरी गाड़ी आगे बढ़ा देंगे, वो पूरी लाइन ही बंद कर देते हैं। बोले पहले ये पता करो ये फॉल्ट आया क्यों, कोई बोल्ट फेल हुआ तो बोल्ट क्यों फेल हुआ, बोल्ट का मटेरियल खराब था, बोल्ट जो बनाया वो खराब था, जहां से बोल्ट आया वहां गड़बड़ी थी, बोल्ट के क्वालिटी टेस्टिंग में प्रॉब्लम थी क्या, पहले रूट का पता करिए। मेरा ये मानना है भारत की अभी जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में है। एक गोल गोल घूमने वाली संसद तो बदल गई, नई संसद बन गई है, अभी वास्तु दोष सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट भी गोल गोल बनी है उसी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पश्चिम होकर के बैठते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। और शायद उसी का परिणाम है कि भारत के लोग न्याय के लिए केवल गोल गोल घूम रहे हैं, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी वास्तु का ध्यान देना पड़ेगा, और उसको भी वास्तु परफेक्ट बनाना पड़ेगा। वास्तु दोष सुप्रीम कोर्ट में भी है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।